चमत्कार से माता। हाँ माता देवांशी, ये जो बरसात हुआ से सिर्फ आपकी तपस्या के कारण हुआ है। हम सब गाँव वालों ने अपने प्यासे और भूखे रहने से बचा लिए माता। नाना, मन में कुछ ना किया से। यो सब तो मैया की वजह से हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है ये सब। हाँ ये सच है माँ, ये सब आपके चमत्कार से हुआ है। आप सच में देवी माँ का अंश है माँ देवांशी। आपकी लगन और श्रद्धा की वजह से ही आज ये बरसात हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। यो चमत्कार मारी वजह से नहीं बल्कि मैया की वजह से हुआ है। बोलो दाता देवांशी की जय। खुरु वाली मैया की जय। बोलो देवांशी माता की जय। मन में जाने दीजिए। क्या मतलब से इसका? मुझे ले ले बारिश ने, मुझे तेरा जादू फेल हो गया कुसुम सुंदरी, और माता देवांशी का जादू पास। तेरा जो अरमान था ना, सपना था तो तेरा गांव वालों को अपने बस में करने का, यो बहुत बुरी तरह से मात खा रहा से आज। तुम्हारे को यो बता कि इब तो आगे जाके करेगी क्या? एक सपना टूट सकता है लेकिन दूसरा सपना इतनी चुंदा सा है। घरालों ने देवांशी से छीनने का सपना, अरे उसके पति बरदान ने उससे छीनने का सपना। और वैसे भी मारा जादू बरदान के सर पर चढ़ के बोल रहा है, जो मारे इस दूसरे सपने ने पूरा जरूर करवाएगा। आने दे देवांशी ने घर में, और देखने दे अपनी आंखों से घर में उसके पीछे गिर रहा करके नहीं रहा। लेकिन उससे पहले मुझे वो घर खाली करवाना पड़ेगा। माता देवांशी के भव्य स्वागत के लिए मेरा मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है, और अब उसे लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। कौन जाएगा मेरे लिए शहर? मेकअप का सामान लेकर आएगा? मैं जाऊंगा ना। मारी लुगा ये ना बेटा, तो मैं जाऊंगा। तुम बहस मत करो मारे से। यू कौन सी बात, तू बहस कर रहा है मारे से? ये बहस कर रहा है? तू अरे केला मत देने की कोशिश कर। मैं जाऊंगा। आप तो ना लड़ क्यों रहे हैं? वो ऐसी है। आप दोनों एक काम करो जी, आप दोनों ही शहर चले जाओ। ओके। और दोनों अपनी अपनी पसंद का सामान मेरे लिए ले आओ। ले आओ। पर सासू माँ आप लोगों को पता नहीं जाने देगी या नहीं? अरे सासू माँ की क्या हिम्मत है, कैसे नहीं जाने देगी? जरूर जाने देगी, ऐसा थोड़ी होता है। हमें अरे ये जाने देगी ओके ना? नूतर तो बड़ी प्यारी से, मैं उसने लेके जाऊंगा है ना नूतर? हां नूतर, बोलने की जरूरत ना है, तू शांत हो जा नूतर। मैं लेके जाऊंगा उसने, और आपके लिए स्पेशल आपकी वो क्या बोले हैं, मेकअप का सामान लेके आऊंगा है ना नूतर? चल। नहीं नहीं, बोलने की जरूरत ना है। चल तुम्हारी बात सुन, मैं ना हमारे लिए एकदम टॉप क्लास का मेकअप लेके आऊंगा। तारा इकलौता पति लेके आता हूँ, जल्दी आऊंगा। बस अब आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। कितना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? वरदान, ऐसे कपड़ा किसने रख दिया?
वरदान। बोलू मेनका दे रहे सब फोटो फ्रेम किसने उतार दी? वरदान वरदान ब्रेक के बाद घर में आपका स्वागत सन्नाटा देवांशी। तुझे कैसे लग गया आपने कुसुम सुंदरी का यह तोहफा? कहा तुम्हारी छोरी ने अकेला पाके उसका फायदा उठाने के लिए चले आए वरदान जी? नहीं, यहाँ कैसे आया? जानसी मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। अरे जी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मुझे जेठ जी ने पकड़ लिया, बस तभी आप आ गई। और कुछ गलत नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जेठ जी ने शराब पी रखी है। तो उन्होंने जब मुझे पकड़ा था ना, तो उनके हाथ पैर कांप गए थे, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं है जेठ जी। मेनका की दी सफाई कुछ ठीक नहीं लग रही, जरूर कुछ और चल रहा है यहाँ पर। चार तो कुछ और ही रहा से यहाँ, तब मैं बस कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। मतलब के दिलचस्पी हो गई वरदान जी ने मारी छोरी में, जब देखो उसकी मदद करने के लिए चले आओ वैसे है। वरदान जी ने कैसे पता चल जा वैसे कि मारी छोरी किससे? बलदान की बात छोड़िए बुआ जी, आपने कैसे पता चला इन सब के बारे में? लोग, मैं तो अपनी छोरी ने ढूंढने आई थी, देख रही थी कि मैंने कहा कित कहीं से। कमाल की बात करो, अपना पति संभाल नहीं जाता। कुछ तो गलत चल रहा है हमारे घर में। पहले वो अंधेरा, फिर माता की मूर्ति, फिर वो तस्वीरें और अब ये।
मुझे। हाँ बेटा। अच्छा तो आ गई। हमने तेरे से कोई बात ना करनी है। झूठ बोलिया तने मेरे से। झूठ? मैंने कब झूठ बोला? यही कि तने शराब छोड़ दी से। पता है मैंने कितना बुरा लग गया? क्या बोल रही है देवांशी? सच में छोड़ चुका हूँ। पीना तो बहुत दूर की बात, हाथ भी नहीं लगाता। तने सच में शराब ना पी थी? नहीं। तो फिर झूठ बोल रहा है वरदा? मैंने सारा घर ढूंढिया तो नहीं मिलिया मैंने, और जब मिला तो ऐसी हालत में मिला कि मैं देख भी ना सकती। मैं तन्ने मिलिया कहाँ? छत पे मेनका ने गिरने से बचाते बचाते उसकी बाहों में था। मेनका की बाहों में मैं? तू क्या बोल रही देवांशी? मैं और मैं छत पर कब गया? मैं छत पर गया ही नहीं। अगर गया होता तो पता होता ना, मन्ने याद रहता। क्या बोल रही देवांशी? क्या कोई नहीं। देख मन्ना बहुत भूख लगी से, कितने दिन हो गए कुछ भी ना खाया से, और मैं तब तक ना खाऊंगी जब तक तू मन्ने अपने हाथों से नहीं खिलाता। देख तुम्हारे से गुस्सा था क्योंकि मैंने झूठ बोल के तन्ने खिला दिया था, और मैं तुम्हारे से गुस्सा हूँ क्योंकि तूने शराब पी। ये हिसाब बराबर बढ़ता। मैंने शराब नहीं पी, कह रहा हूँ ना। तू खाना खिला दे। पूरा विश्वास है कि वरदान मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, और अगर उसने शराब पी ही नहीं है तो उसने कुछ याद क्यों नहीं है? मैं तन्ने दिखाती हूँ मेनका की बच्ची। हाँ मन्ने, अच्छे से सब कुछ पता चल गया से। जैसे ही मैंने इस घर से बाहर कदम रखा, मारी आवाज वापस आ गई। इसका मतलब तो यो ही है कि तू सच में भूतनी से और तन्ने जादू करिया से उन सब पर। आज मैं तन्ने नहीं छोड़ूंगी, आज तो तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगी मैं। देख मैं क्या करती हूँ, देख। अरे हाथ छोड़ मेरा। चुप कर बुढ़िया। हाँ चुप कर, तुझे जो करना है कर ले। उससे डरती हूँ मैं? मुझे मारेगी तो? मुझे छोड़, मारो हाथ। चिल्ला क्यों रही है? के होया? यो पूछ के नहीं होया। और जो कुछ भी होया ना, देवांशी माता आपके कारण होया से। अरे आपने इसने इस घर की बहू बना के हमारी जिंदगी नरक बना दी से। इतना नहीं है के होया? इसने लगभग मेरा हाथ तोड़ ही दिया था। नहीं जीजी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है सासू माँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं मैंने इसको क्या बिगाड़ा है। क्या बिगाड़िया से? हाँ अब भी बता रहे हैं। क्या बिगाड़िया? देखिया अपने दीवार से माता क्या हो रहा है इस घर में? खुले आम मारी छोरी ने धमकी दी जा रही है। खुले आम उस पे हाथ उठाना जा रहा है, और बंदे अच्छी तरह से पता है कि झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं? झूठ बोल रही हूँ? अरे तू झूठ बोलना बंद कर बुढ़िया, एक सबके सामने सच बोल दे, नहीं तो इसको निकालने से पहले ना मैं तने घर के बाहर फेंक दूंगी। चाची जी, देवांशी माता मैं सच कह रही हूँ, एक दिन ना जो छोरी हम सबने मरवा के रहेगी। क्या बोल रही से नुतर तू? अगर तूने झूठ बोला ना तो मैं तने उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा। क्या आपने देवांशी माता
मारे पति नहीं मारा दुश्मन मना दिया से इस छोरी ने मियां बीवी के बीच में आग लगा दी से आप तो तपस्या करने में मग्न थी और यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया सर। ए मेघा तू एकदम डर मत परेशान बनाओ मैं हूँ तेरे साथ रोना नहीं बिल्कुल छोरी रोना नहीं बार सी माता आप पे विश्वास करके इस बेचारी छोरी के अम्मा बापू ने इसका हाथ गोलू के हाथ में दिया था और आपने इसको खुश रखने की जिम्मेदारी उठाई थी आ तो इसकी खुशी का ठेका कि हमने लेके रखा है सब नहीं तो के छोरी ब्याह के आई से थारे घर में तो ब्याह के आई से तो के नाचेगी मारे सर पे बहुत बोल रही से नूतन हद से ज्यादा बात कर रही से तू बोलूंगी मैं बोलती रहूंगी चुप हो जाइए चाची जी प्लीज प्लीज आप अपने कमरे में जाइए डार्लिंग अब चलो हम भी चलते हैं अगर आप कुछ बचा नहीं आ जाओ आज यो ठीक ना हो रहे ऐसे देवार सी माता एक मिनट बुआ जी जब आप यहीं पर थी और आपने देखा कि चाची जी मेनका को धमकी दे रही है तो आपने चाची जी को रोका क्यों नहीं मैं क्या कर सकती थी क्यों आप कुछ बोल नहीं सकती थी बुआ जी जब आप मेनका के वास्ते चाची जी से लड़ सकती है तो आप मेनका की सुरक्षा के लिए चाची जी ने रोक भी सकती है ना तो आपने रोका क्यों नहीं बोलिए बुआ जी क्या हुआ चुप क्यों हो गई मारे पे उंगली मत उठा छोरी अपनी चाची ने रोक जिसने मारी मेनका की जिंदगी बर्बाद कर रखी से मारे पे उंगली उठाने की जरूरत ना से एक बात तो चाची जी ने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे घर में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे इन सारी बातों का बुआ जी से कोई ना कोई रास्ता जरूर है जैसे सारी समस्या की जड़ शुभ बुआ जी ही है माता के बन गई अपने आप ने टॉप समझने लग गई से ना किसी की बात सुनती है ना कुछ कहने देती है ना कुछ बोलती है किसकी बात मैंने नहीं सुनी चाची जी और मैंने कितनी बार कहा है आप सबसे कि मैं कोई माता वाता ना मैं सबसे पहले इस घर की बहू हूँ क्यों आई है यहाँ नीचे बेइज्जती करनी बाकी रह गई थी जो ऊपर आके फिर से कर रही है जा यहाँ से पहले शांत हो जाइए क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए ठीक ना हो वैसे मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करती है और शायद आपके अपने कारण होंगे मुझसे नफरत करने के पर मेरा विश्वास कीजिए मैंने आपसे कोई प्रॉब्लम ना है और ना ही मैं आपके खिलाफ हूँ बल्कि मैं तो आपकी बात पर यकीन कर रही हूँ कि हमारे घर में कुछ दिनों से कुछ ठीक ना चल रहा है कुछ तो है जो बहुत गलत हो रहा है मैं मानती हूँ आपकी इस बात में दीवान सिंह ने आभास हो गया से मोहन के कुछ गलत हो रहा है पर मन ने आभास हो गया से कि वो हमारे पे शक कर रही है मैंने एक बात और नहीं देखी उसके गले में वो जो हार मैंने पहनाया था वो इब उसके गले में नास है इसका मतलब वो हमारी शक्तियों के बस में नास है इसीलिए हर बात पे शक कर रही है हर बात पे सवाल पूछ रही है तो घनी टेंशन की बात है फिर वो तो है पर मन ने यू भी पता ना चल पा रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है और यो बात भी मैं अच्छे से जानूं कि वो चुपचाप बैठने वाली ना सर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी वो और इससे पहले कि वो कुछ करे मन्ने उसको रोकना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा कि उसकी अगली चाल केस है मैं जानती हूँ चाची जी कि मन्ने अगला कदम क्या उठाना है पर आप फिक्र मत कीजिए मैं आपके साथ हूँ तो बस उस बात की तह तक जाना है मन्ने और सारी सच्चाई पता लगानी है।